हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C21 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप स्टेटस बार को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और इसे रीसेट भी कैसे कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है स्टेटस बार इस तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको जो है ये वाईफाई आइकन, ठीक है, ब्लूटूथ आइकन, ये सभी जो आइकन दिखाई देते हैं ये आपका स्टेटस बार होता है, ठीक है। इसमें आपको जो है फुल पेज ओपन करना है। फुल पेज ओपन करने के लिए सबसे नीचे पेंसिल का ऑप्शन होता है, इसे सेलेक्ट करना है तो आपका स्टेटस बार ये फुल पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको नीचे की साइड काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे नियर बाय शेयर, टीवी रिमोट, सिस्टम अपडेट, ठीक है। ये सभी आइकन्स जो आपके स्टेटस बार में शो नहीं होते हैं, इन सभी आइकन्स को आप जो है अपने स्टेटस बार में ऐड कर सकते हैं, जिसको आप रखना चाहें, ठीक है। जैसे मैं इस नियर बाय शेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उंगली से दबा के रखना है, दबा के रखना है और इसे खींच के जो है ऊपर ले जाना है, तो इसे ऊपर रख देना है यहाँ पर, ठीक है, रख देना है। और रखना कहाँ पर है आपको, ये जो होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर वाली कैटेगरी में आपको रखना है, ठीक है। तो आपका ये जो नियर बाय शेयर है ये आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं स्टेटस बार में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है किसी भी आइकन का जो है स्टेटस बार से आप जो है हाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए डू नॉट डिस्टर्ब है, इसे मैं जो है यहाँ पर ये प्रेस करता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैं इसे नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। कहाँ पे रखना है, ये जो होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है ना, इसके नीचे की साइड में आपको रखना है, ठीक है, तभी आपका ये हाइड होगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पर जो है ये आइकन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप अपने स्टेटस बार को रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दबाना है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये रीसेट का ओपन हो जाएगा ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका स्टेटस बार जो है ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। आपका पूरा मोबाइल फोन रीसेट नहीं होगा, सिर्फ स्टेटस बार रीसेट होगा, ठीक है। इसे रीसेट करने से होता क्या है कि आपके जो मोबाइल फोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग ये आपका स्टेटस बार सेट हो जाता है। जो आइकन आपके मोबाइल फोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो अपनी जगह पर चला जाता है। जैसे ये देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन ऊपर आ चुका है और ये जो नियर बाय शेयर का ऑप्शन है ये नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है स्टेटस बार को आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे रीसेट भी कर सकते हैं।